राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने ये 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाई है। ये देखिए, आप इसको फ्रंट साइड और बैक साइड कैसे भी पहना सकते हैं। आपको ये बैक साइड से रखना है तो आप इसको फ्रंट साइड रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको फ्रंट साइड या बैक साइड रखें। ये देखिए, तो आज हम इसको बनाएंगे 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली को। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 4 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बनाने के लिए हमने इस तरह से धागा लिया। धागा लेने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से चेन बनाएंगे। तो ये हमारी एक चेन हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 चेन ली हमने। यहाँ पर हम थंब लगाएंगे, इस तरह से अपना अंगूठा लगा लेंगे और उसके बाद हम 1 2 3 3 चेन ओढ़ लेंगे। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 4th चेन में। इस तरह से लिया धागा हमने और चेन में हम डालेंगे जहाँ पर हमने थंब लगाया था। इस तरह से क्रोशिया को निकालेंगे और ये 3 से 2 कर दिए हमने, फिर 2 से 1 कर लिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, यहाँ पर बनाया उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से, फिर से धागा लेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये 16 चेन ली थी, तो 16 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक हमारी ये 3 की चेन हो जाएगी। तो ये टोटल हमारे 17 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 17 डबल क्रोशिया। इस तरह से सभी में बनाएंगे। और यहाँ पर डबल क्रोशिया हमने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ना ज़्यादा छोटा बनाना है। इस तरह से हमने सभी में बना लिए हैं। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसको हम टाइट कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारी नॉट भी लग गई है। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये हमारा फर्स्ट है। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में नहीं बनाएंगे हम। अब यहाँ पर सेकंड में हम 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया, एक बार इसी चेन में बनाएंगे हम यहीं पर। अब नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार, एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, एक बार बनाया, एक बार और बना लिया। तो यहाँ पर हम सभी में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में हम एक बार बनाते हैं, तो लास्ट में हम एक बार बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने सभी में 2 2 बार डबल क्रोशिया बना करके राउंड कंप्लीट किया है। देखिए, 2 2 2 2 2 और लास्ट में हमने एक बार बनाया है। ये देखिए, यहाँ पर 2 बार बनाया, लास्ट में एक बार बनाया है। अब यहाँ पर हम फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। तो फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है, तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे हम। यहाँ सेकंड में बनाएंगे हम 2 बार, एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे। यहाँ पर एक ही चेन में ही हमने 2 बार बना लिया। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे, एक बार, नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में एक बार। अब यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे। देखिए, इस तरह से
एक बार बनाया, फिर दो बार बनाया हमने, फिर एक दो तीन, तीन बार हमने ये एक एक बार बनाया है देखिए, और ये फोर्थ में हमने दो बार बनाया है। राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, फिर से देख लीजिए, एक दो तीन चार, अब ये चौथा है हमारा, तो यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे, तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए यहाँ पर हमने हर फोर्थ में डबल क्रोशिया किया था, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट में एक तीन की चेन लेकर सेकंड में डबल क्रोशिया किया था, ये देखिए दो बार, फिर अब हमने हर फोर्थ में आकर के दो बार डबल क्रोशिया किया है, देखिए यहाँ पर, फिर ये एक 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 फोर, एक 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 दो बार किया है यहाँ पर, एक 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 दो बार किया है यहाँ पर, फिर एक एक, और आप इस तरह से देखेंगे तो ये भी एक 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 फोर्थ में आकर दो बार है। अब यहाँ पर हम एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद में फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, सेकंड में एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, तो ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए, एक दो तीन, तीन की चेन हमारा एक डबल क्रोशिया होता है, ये चार पाँच, पाँच डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अब यहाँ पर हम नाइन स्किप करेंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ हमने छोड़ दिए, ये दसवां है हमारा, तो टेंथ में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम 12, तो ये हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हम फिर से नाइन छोड़ देंगे, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, ये हमारी तीन की चेन थी, तो यहाँ पर पाँच, तो ये देखिए यहाँ पर हमने पाँच इस तरफ लिए थे, बारह इस साइड लिए थे, और पाँच हमने इस तरफ लिए थे, और नाइन नाइन हमने बाजू के लिए छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर हम एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेंगे यहाँ पर हम, एक दो तीन, तीन चेन लेकर के टर्न करेंगे इस तरह से, और ये हमारा, तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। अब हम यहाँ पर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर सभी चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सभी चेन में एक एक बार बना लेंगे हम, तो राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सभी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, देखिए ज्वाइन करेंगे अब हम, एक दो तीन, थर्ड चेन में हम यहाँ पर थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे, नहीं सॉरी चेन नहीं लेनी हमने, स्लिप स्टिच किया हमने, स्लिप स्टिच के बाद धागे को थोड़ा लंबा करेंगे हम, और ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है हमारा, ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसकी चेन इस तरह से उठाई हमने, और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया, इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे,
धागे को हम इसको थोड़ा लंबा रखेंगे ताकि हमारा इस तरह से टाइट ना हो, इस तरह से। अब यहाँ पर से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे हम, और धागा कट नहीं करना है तो आप इस तरह से आगे घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर से। देखिए यहाँ पर 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 10 और 12 इस तरफ, तो ये 22 डबल क्रोशिए हैं हमारे चोली के लास्ट में। और 1 2 3 4 5 टोटल हमने यहाँ पर 5 राउंड किए हैं। अब यहाँ पर इसकी किनारी बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पर अब किनारी बनाएंगे हम, तो किनारी हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। एक चेन ली, चेन लेने के बाद धागा लिया हमने, फिर से यहाँ पर क्रोशे को डालेंगे हम, धागा निकालेंगे, 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में बनाएंगे, सॉरी, यहाँ पर हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, एक और बनाएंगे हम यहाँ पर ही इस तरह से। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार, और ये जो हमारा पीछे धागा है इसको हम साथ लेंगे ताकि हमारी चोली में फिनिशिंग आए। फिर से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 बार बना लिया। नेक्स्ट में बनाएंगे हम, एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे, 2। नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2। अब यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2। अब यहाँ पर 1 और 2 चेन लेंगे हम टर्न करने के लिए। फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया ही इस तरह से। अब नेक्स्ट, ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं इनके सेंटर में हम बनाएंगे, और ये जो धागा होता है हमारा इसको भी हम साथ में रखेंगे इस तरह से। एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ तक बना लेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमने सभी में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर भी बना लिया है हमने लास्ट में भी, और 2 चेन लेंगे यहाँ पर इस तरह से टर्न लेने के लिए हम, और यहाँ पर फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक बार बनाया, एक बार बना लिया। अब यहाँ पर बनाएंगे 2 बार इस तरह से। अब यहाँ पर बनाएंगे, एक बार बनाया, अब यहाँ पर बनाएंगे 1 और 2। अब एक चेन लेकर यहाँ पर हम धागे को कट कर लेंगे, और ये धागा हम फिनिशिंग में कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक बाजू बना ली है, ये देखिए। अब इस तरफ की हम बाजू बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे हम, धागा लेंगे इस तरह से, नॉट बना लेंगे हम सबसे पहले। नॉट बना ली हमने, नॉट बनाने के बाद में हम इस तरह से धागा लेंगे। इस तरह से धागा लिया हमने, या फिर जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया था, इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये जो डबल क्रोशिया होता है ना, ये देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया होता है, यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे, धागे को स्टार्ट करेंगे। एक चेन लेंगे, धागा लिया, और यहाँ पर ही हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से बनाएंगे यहाँ पर हम, तो एक ही डबल क्रोशिया हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो नेक्स्ट चेन दिख रही है ना हमें, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो चेन में बनानी है हमें। यहाँ पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, और पीछे वाले धागे को हम साथ में रखेंगे ताकि हमारी बाजू में फिनिशिंग आए। अब यहाँ पर बनाएंगे हम, तो इसी तरह से बनाते हुए हम, ये चेन दिख रही है यहाँ पर, बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। देखिए यहाँ पर भी ये जो डबल क्रोशिया होता है, यहाँ पर भी हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए
यहाँ पर बना लेंगे हम ये जो हमारे डबल क्रोशिया नीचे, एक बार हम यहाँ पर बना देंगे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। और यहाँ पर हम चेन ली थी हमने, यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर हम यहाँ पर एक चेन ली हमने, चेन लेकर धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पर धागे को कट कर देंगे और फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी चोली बन करके रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर वीडियोस पसंद आए और समझाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।